सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपसे वादा किया था, केस स्टडी आज स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम कर चुके हैं। अब जितने भी आगे 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट जो भी होने वाले हैं, ध्यान से बैठ जाइए और फ्रेश माइंड से केस स्टडी को समझिए, क्योंकि केस स्टडी में होता क्या है, पैराग्राफ बड़ा होता है बस, वो भी आपको डराने के लिए, बट अगर आप उसको समझो, क्योंकि ये वो क्या होते हैं, एक मतलब आसान, अगर आप उसको समझो तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अब सीबीएसई ने ये ट्रेंड चलाया, इस साल चलाया, तो इतना हाई लेवल तो आपको देने नहीं वाला, एक प्रैक्टिस आपकी करवा रहा है, तो आप उसको समझो, केस स्टडी को इतनी मुश्किल नहीं होती, बस आप कॉन्फिडेंस से उसको पढ़ो। स्टार्टिंग की कुछ लैंग्वेज तो ऐसी होती है जिसका घटना से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, जैसे बोलते हैं ना कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, जैसे टीवी देखे हो भी काफी दिन हो गए हैं, इस घटना ये घटना एक काल्पनिक है, तो स्टार्टिंग में कुछ लाइनें तो होती हैं वो हमारा कोई संबंध नहीं होता की स्टडी से, बट फिर भी हमने पढ़नी तो है ही है। अच्छा देखते हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको पढ़ते हैं। क्लियर? अब इसको अगर देखिए तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस स्टडी में, भाई आप इधर आ जाइए प्लीज, स्केच लिया। इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग टू द हायर क्वालिटी प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर। इट प्रोड्यूस 16,000 सेट इन सिक्स्थ ईयर एंड 22,600 सेट, 600 सेट नाइन्थ ईयर। तो मेरी बात सुनो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था ना, स्टार्टिंग की कुछ लाइनें ऐसी होती है जिसका घटना से कोई संबंध नहीं होता। समझ आ रहा है? चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है तो लाइक करो वीडियो को। अब इसमें बोल क्या रहा है भाई, कंपनी है, टीवी सेट का प्रोडक्शन हो रहा है और हर एक साल एक फिक्स नंबर ऑफ टीवी सेट का प्रोडक्शन हो रहा है। छठे साल में, सिक्स ईयर में 16,000 हुए, नाइन्थ ईयर में 22,600 हुए। अब आगे आपसे पूछना क्या चाह रहा है, जानने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या पूछना चाह रहा है? फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब डियर स्टूडेंट्स, जब इसने बोल दिया कि फिक्स ईयर एवरी ईयर, फिक्स ईयर एवरी ईयर, फिक्स एक जो है प्रोडक्शन हो रही है, एक फिक्स यानी डी है वो फिक्स, और सिक्स ईयर में इतना है, तो इसके बाद सातवें में भी फिक्स होगा, आठवें में भी, नौवें में भी, नाइन्थ में इतना है, यानी एक तरह से एक एपी है जिसकी हमें सिक्स टर्म दी हुई है और जिसकी हमें नाइन्थ टर्म दी हुई है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर यानी हमें पहली टर्म निकालनी, हमें ए निकालना। तो समझ आया क्या पूछना चाह रहा है? निकल के आई बात, बस स्कूल में पूछ लेते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, बोर्ड में पूछते हैं व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, बात पापा की ही हो रही है। समझ आया? अब देखो, ए प्लस सिक्स्थ टर्म क्या होती है, ए प्लस 5d, दैट इज इक्वल टू 16,000। नाइन्थ टर्म क्या होती है भाई, ए प्लस 8d, ये तो आपको पता ही है, नहीं पता तो चैनल पर जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए आप, एपी की सारी एपी क्लियर हो जाएगी, ये मानते हो। अब क्या करो, इनको एलिमिनेशन कर लो। एलिमिनेशन तो आता है माइनस 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 3d इज इक्वल टू -6,600। तो 3 नीचे जाएगा तो d की वैल्यू 2,200, यानी d की वैल्यू 2,200 आ गई, यानी हर साल 2,200 टीवी सेट बनाए जा रहे हैं। समझ आ रहा है? बट हमें तो चाहिए a, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको पुट कर लेता हूं, फर्स्ट में पुट कर लूं। अगर मैं इस फर्स्ट में पुट करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस 5d, अगर मैं d यहां पुट करता हूं 2,200, 2,200 और 5 यानी 11,000 हो गया, ठीक है ना, 2,200 5 से गुना करेंगे
अब ये 11,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 11 गए 5,000, यानी पहले साल उन्होंने 5,000 बनाए थे, बहुत बढ़िया। उसके बाद उनके मैकेनिक भाग गए, पता नहीं क्या हो गया, लॉकडाउन भी चल गया था इस वजह से कम हो गए, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, क्या कर सकते हैं। ये था भाई, आप क्यों आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर। ड्यूरिंग द 8th ईयर, डियर स्टूडेंट्स, 8th ईयर में क्या होगा, ए 8 क्या होगा, ए प्लस 7d। ए कितना है 5000 प्लस 7d 2200, तो टोटल करेंगे 2200 को, इसको करेंगे 2000, 14000 और 1400 और हो गए 15400 और 5000 19400। इतने टीवी सेट 8वें साल में प्रोडक्शन हुई, क्यों ना हम देख लें क्या ये सही आ रहा है। 19 नहीं भाई, क्या हो रहा है ये 5000, ए प्लस 7d या 7 आएगा 15, हाँ 20000 आएगा 20400। तो सेकंड आंसर क्या आया हमारा, 20400। ठीक है, मेनली आपको कंसेप्ट समझाना, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, बट फिर भी आपके साथ है। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स। इसने ये नहीं बोला तीसरे साल में कितनी हुई है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 सालों में कितनी हो चुकी है, यानी देखो पहले साल में 5000 प्लस, दूसरे साल में हम बात करें तो 5000 थी पहले में, 2200 बढ़ गई, यहीं पे तो बता देता हूं आपको, क्योंकि पहले साल में 5000 थी, 2200 दूसरे साल में बढ़ गई 7200, फिर 2200 थर्ड में बढ़ गई, तो तीनों सालों की मिला के 21600 ये हमारी होगी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, इतनी प्रोडक्शन हुई, क्योंकि पहले साल 5000 हुई, फिर 2200 बढ़ गई, फिर 2200 बढ़ गई, यानी आपको A1, A2, A3 तीनों का सम फाइंड करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज दिस वन, देख लेते हैं। टू नाइन टू जीरो, ये कह रहा है ये इतनी प्रोडक्शन कौन से ईयर में होगी, हमें नहीं पता, क्या पता 7वें साल में हो, 8वें में हो, 10वें में हो, हम मान लेते हैं वो nth ईयर है, nth ईयर, तो इसको हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, an मान लेते हैं कि भी nth ईयर है, उसमें इतनी प्रोडक्शन हुई। अब n की वैल्यू निकाल लो, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, तो ये कितना है 29200, a है 5000, ये 2200 है, डी मानते हो, इसमें से 5000 चले गए तो 24200 इक्वल है 2200, अब डिवाइड हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 2 1 1 2 1 2 1 हो गया, ये 11 11 और माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 12, यानी 12वें साल में जाके इतनी प्रोडक्शन होगी, 12 साल वेट करना पड़ेगा। 12 साल का वनवास किसने काटा था, महाभारत में भी 12 साल का वनवास काटा था, तो इनको भी 12 साल का वेट करना पड़ा, तब जाके इतनी प्रोडक्शन हुई। 12 टॉप 12 की हमने एक सीरीज भी चलाई है क्वेश्चन की, पूरे इस चैप्टर में सिलेबस में से 12 ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं, उसकी वीडियो पड़ी है चैनल पर, कोई प्लेलिस्ट ना मिले किसी भी वीडियो में जाके कमेंट कर दो, कोई भी डाउट हो, प्लेलिस्ट ढूंढने में डाउट हो, किसी चीज में डाउट हो रहा है, आप कमेंट करो यार, हम तो आपके लिए बैठे हैं, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा उसके बाद देखते हैं क्या है,
फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेवेंथ ईयर एंड ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर. निकाल देते हैं, क्या ही दिक्कत है. देखो सेवेंथ ईयर में प्रोडक्शन यानी ए सेवन माइनस ए फोर, ये बतानी है आपको. सेवेंथ ईयर में जो प्रोडक्शन होगी माइनस में फोर्थ ईयर में जो प्रोडक्शन होगी. देखो बड़ा सिंपल है, ए सेवेंथ को ए प्लस सिक्स डी माइनस ए फोर को ए प्लस थ्री डी लिख सकता हूं, बट जब बाहर माइनस हो अंदर दो टर्म हो तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं. तो ये ए प्लस सिक्स डी माइनस ए माइनस थ्री डी, जब माइनस ओपन होगी ब्रैकेट तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये से कैंसिल हो गया, सिक्स डी माइनस थ्री डी थ्री डी आएगा. तो थ्री डी, वाओ थ्री डी, थ्री डी आजकल मूवी भी चल रही है, आज रिलीज हुई है ट्रिपल आर, थ्री डी में है वो. तो ये सिक्स सिक्स डबल जीरो ये आना चाहिए आंसर. ये देखिए आपके सामने इसने क्या करा है, इसने इन्होंने क्या करा है, ये पहले सेवन टर्म निकालेंगे फिर फोर्थ निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे. मैंने यहीं से ए और ए काट दिया, सीधा 3D आ गया, सीधा 3D, 3D को कर दो बस. जैसे जितना आप आसान बना सकते हो उसको बनाओ ना यार, बहुत आसान बना सकते हो आप हर चीज को अगर अच्छे से करो तो. दिमाग से करो, कंसेप्ट से करो, दिमाग तो आपके पास है ही है, बहुत बढ़िया. क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलते हैं फिर नेक्स्ट पर. होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा. अच्छा उसके बाद कोई और क्वेश्चन है? नहीं है यार, आगे चलते हैं. ये आंसर से आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फ्रेंड वीर, बहुत बढ़िया आपका फ्रेंड वीर है, बहुत अच्छी बात है अगर वो वीर है तो. वांट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस, वो एक 200 मीटर की रेस में भाग लेना चाहता है. He can currently run that distance in 51 second. And अब इस टाइम पे जो वो है ना, ये 200 मीटर का डिस्टेंस 51 सेकेंड में कवर करता है. And with each day of practice, it takes him 2 second less. यानी हर दिन प्रैक्टिस करता है तो 2 सेकेंड लेस हो जाता है. अगले दिन 49 सेकेंड हो जाएगा, अगले दिन 47. कितनी बढ़िया प्रैक्टिस मार रहा है बंदा, वो क्या करें, बहुत अच्छी बात है. ही वॉन्ट्स टू डू इन 31 सेकेंड, इसी चीज को वो 200 मीटर की को 31 सेकेंड पे लेके आना चाहता है, उसका टारगेट है. अभी कहां पर है वो, 51 सेकेंड पे है. ये है वीर, ये वीर है, बाल वीर है ये. कह रहे विच टर्म ऑफ द एपी, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म आर इन एपी इन द गिवन सिचुएशन. गिवन सिचुएशन के साथ तो क्या होगा, पहले 51 सेकंड लगते हैं, फिर 2 सेकंड कम 49 सेकंड, फिर 2 सेकंड कम 47 सेकंड, ये एपी बनेगी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग. तो आप देख लीजिएगा भाइयों और बहनों, देवी और सजनों, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, कौन सी है ये वाली, ये सेकंड वाली. क्लियर? तो इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल टू अचीव, मतलब उसको कितने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वो 31 सेकंड पे पहुंच जाए. अब कहां पर है वो, 51 सेकंड पर है इस टाइम पे. तो मतलब फर्स्ट टर्म क्या है उसकी, 51 सेकंड, सेकंड 49, थर्ड 47, तो 31st उसको पहुंचना 31 सेकंड पे. तो एक तरह से हमें बताना कि 31 कौन सी टर्म है, मतलब कितने दिन प्रैक्टिस करेगा कि वहां पहुंच जाए. हम मान लेते हैं कि वो एंड डेज प्रैक्टिस करेगा कि यहां पहुंच जाएगा, ठीक है. तो हमें पहुंचना कहां पे, इसको हमने nth टर्म मान लिया 31 को, जैसे एपी है 51, 49, 47, ऐसे ऐसे करके हमें 31 निकालनी है. और एक तरह से हमें बताना है कौन सी टर्म है, तो हमें मान लिया कि ये nth टर्म है. तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस
एन माइनस वन डी, क्लियर। अब ए एन क्या है मेरा 31, ए कितना है 51 प्लस एन माइनस वन, डी कितना आएगा डी स्टूडेंट्स देखो 2 लेस हो रहा है तो डी कितना आ रहा है माइनस का 2। अब देखो डी स्टूडेंट 31 में से 51 माइनस करेंगे तो माइनस के 20 आ जाएगा और इधर से एन माइनस वन ये माइनस का 2 नीचे चला जाएगा, 2 टेंस अप और एन माइनस वन है माइनस वन उधर जाके प्लस तो एन की वैल्यू 11, यानी ये हमारी 11th टर्म है, यानी 11 दिन की प्रैक्टिस के बाद ये बंदा 31 सेकंड पे पहुंच जाएगा तो सी आएगा 11 इसका आंसर। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? सी देखो सेकंड का सी है फर्स्ट का बी है उसके बाद फिर चलते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द अबव गिवन सिचुएशन। एपी में कौन कौन सी नहीं है देखो, 51 था पहले फिर 49 आएगा 47 43 41 आ जाएगा 30 नहीं आएगा 37 आएगा 30 नहीं, ये नहीं आएगा, ये 30 नहीं है, ये वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो भगवान को 2-3 बार बोलना चाहिए रे भगवान धन्यवाद धन्यवाद आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया मेरा 1 मार्क्स बढ़ा दिया, मैं घर पे जाके बोल सकता हूँ मम्मा ये भी करके आया हूँ मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय दिस सिचुएशन ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर पहली टर्म मिल जाए और दूसरी मिल जाए तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ये बात मानते हो, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो बस मैं क्या करता हूं, जब n को 1 पुट कर लूंगा तो a1 आ जाएगी, 2 पुट कर लूंगा तो a2 आ जाएगी, तो n 1 पुट करूंगा तो a1 आ जाएगी, 2 इंटू एन के प्लेस में 1 ये 5, अब n 2 पुट करूंगा तो a2 आ जाएगी 2 इंटू में 2 प्लस 3 ये आ जाएगी 7, देखो 2 जा 4 प्लस 3 7, तो यहां से d क्या आ जाएगा मेरा a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 5 ये 2 आ जाएगा, क्लियर। कोई डाउट यहां तक नहीं है भाई, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले आता हूं क्वेश्चन को, इसको रब कर देते हैं। देखो द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2 आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब x की किस वैल्यू पर, ये कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो कि ये तीनों जो है ये एपी की टर्म है। तो सिंपल सी बात, जब भी तीन टर्म, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आने के बहुत बहुत चांसेस है, 2 नंबर में बहुत ज्यादा चांसेस है। जब भी 3 नंबर एपी में होते हैं तो दूसरे का डबल सेकंड का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है, ठीक है, ये बात समझ आई। या हम ये भी लिख सकते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो तो भी एक ही बात है, क्योंकि दोनों से डी आएगा, दोनों को अगर सोल्व करें तो डी आएगा, तो मतलब डी और डी आपस में इक्वल होंगे, A2 में से A1 माइनस करो तो भी D आएगा,
A3 में से A2 माइनस करो तो यानी ये दोनों चीजें बराबर है, सेम है, ये D की वैल्यू है, इक्वल होंगी। अब ये चीज थोड़ा इन दोनों में से देखें तो ये बेटर है, ये ठीक रहती है, इसमें आप माइनस करो टर्म फिर वो करो, क्योंकि ये चीज इसी से बनी है। देखो अगर मैं इस A2 को उधर ले जाऊं तो A2 प्लस A2 2A2 और ये माइनस A1 इधर जाएगा तो A1 प्लस A3, तो इसी चीज से ये बनी है। हर एक चीज को लॉजिकली करेंगे। अब 2A2 ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है AP की, ये थर्ड, तो जो है सेकंड का डबल 2 × x + 10 फर्स्ट और थर्ड के बराबर है। फर्स्ट है 2x, थर्ड है 3x + 2। अब देखो 2 × x 2x + 20 5x + 2, तो 5x में से 2x चले गए 3x, 20 में से 2 चला गया 18, तो डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। x मेरा 6 आया तो ये फर्स्ट आंसर है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि AP क्या होगी, तो अगर आपसे पूछे AP क्या होगी तो आप निकाल सकते हो, ये x की वैल्यू पुट करके देख लो, 2 × 6 पहली टर्म 12 आ जाएगी, दूसरी 16 आ जाएगी, तो 4 का गैप है, तीसरी 20 आएगी। आप AP भी निकाल सकते हो। आपसे थोड़ा और ज्यादा पूछे भाई ये AP में है ये तीनों टर्म, फाइंड AP, पहले x निकल गया, x निकलने के बाद अभी AP निकाल ली। अब और भी कुछ पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि इसकी nth टर्म निकालो, या इससे पूछ लेगा आप इसकी 10th टर्म निकालो। A पढ़ा है, D मेरे पास आ गया, कोई मर्जी टर्म पूछ ले निकाल दोगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, मान लिया इसी की nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म मेरे पास AP ये थी, nth टर्म क्या होती है an a प्लस n माइनस 1d, तो a कितना है 12 प्लस d कितना है 4, तो 12 प्लस 4n माइनस 4, तो 12 में से 4 गए 8 प्लस है, यानी 4n प्लस 8, ये nth टर्म है, या 4 कॉमन ले ले तो 4 × n + 2, ये nth टर्म है। इस तरह से निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर। तो आगे चले भाई, ये देखो सब कुछ कर लिया हमने डिटेल में, उसके बाद देखिए कोई क्वेश्चन रहा, अब कुछ नहीं रहा, ये सारी केस स्टडी हो चुकी है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और इस केस स्टडी का मैं मानता हूं कि प्रिंट आउट ले लेना आप प्लीज, ठीक है, और प्रिंट आउट लेके आप अच्छे से कर सकते हो इसको क्लियर, और कहीं मिलती है तो प्रिंट आउट की बजाय फोन में कर सकते हो, या कहीं आपको लगता है कि कहीं और भी ये आई हुई है तो वहां भी देख सकते हो। केस स्टडी थर्ड में देखते हैं, देखो योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार, बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड प्लान्स टू टेक अ लोन, ये अच्छी बात नहीं, फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार, लोन ले रहा है, लोन पे मत लिया करो कार यार। He repays his total loan of rupees, अच्छा उसको इतना पे करना है कितना, 1,18,000, क्लियर, बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 1,000 की इंस्टॉलमेंट बनाइए, बहुत गरीबी आ रही है, चलो कोई बात नहीं, भगवान सबको कार दे, पर मैं कहता हूं कि लोन पे मत लो यार, क्यों लोन चढ़ाते हो, टेंशन लेते हो बेवजह की, कमाओ। If he increase the installment by rupees 100 every month, चलो कोई बात नहीं, कार लो आप, तो क्या कह रहा भाई, 1,18,000 रुपए का लोन लिया, इंस्टॉलमेंट बंधवा ली उसने कितनी, 1,000 रुपए पर मंथ की, और 100-100 रुपए कहता है हर महीने बढ़ा देना, वो बंदा 100-100 रुपए हर महीने कमाएगा एक्स्ट्रा, तो पहले महीने भाई 1,000 है, पहले साल पहले मंथ 1,000 है, फिर 1,100, फिर अगले महीने 1,200, इस तरह से बढ़ानी है। चलो ये बैंक है बहुत बढ़िया, दे रहा है लोन, ठीक है, ये 1 रुपया डाल रहा है बंदा इसके अंदर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, 30वीं इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पेड करेगा, क्लियर।
तो यानी एक तरह से मुझे 30th टर्म निकालनी है। 30th टर्म, 30th टर्म क्या होती है? A30। A30 क्या होता है? A+29D। तो A कितना? पहले 1,000 रुपये थे, प्लस 29D कितना? हर बार 100-100 रुपये बढ़ रहा है, तो फिक्स चार्ज कितना हुआ? D 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये। तो यहां पर D 100 रख दिया, तो 2900 प्लस 1000, 3900 रुपये। बस भाई, 30वीं इंस्टॉलमेंट में भी 3900 रुपये। तो बैंक का धन्यवाद भी करना चाहिए वैसे, आपको इतनी सस्ती किस्तों में कार दे रही है, आप कार के मजे ले रहे हो, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया बात है वैसे तो। अब कह रहा है द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट। इन चीजों में फर्क है, जैसे ये तो पूछ रहा है कि भी 30वीं इंस्टॉलमेंट में कितनी किस्त पे लिया। अब ये कह रहा है इसने 30 इंस्टॉलमेंट भर दी, तो टोटल कितने पैसे दे दिए? जैसे पहले में 1,000 घर से निकल गए, दूसरे में 1,100 सगन डल गया, तीसरे में 1,200, फिर 2,100 सगन डला, इस तरह से। भाई उसने 30 इंस्टॉलमेंट भर दी, अब उसने कितने पैसे दे दिए 30 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद भी? क्या वो कर्ज मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है? देख लेते हैं। यानी हमें S30 निकालना है, पहली 30 टर्म का सम। तो S30 क्या होगा? 30/2, क्योंकि SN क्या होता है? फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको तो याद नहीं होगा। N/2 2A+N-1D, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। और एक ये भी होता है N/2 A+AN, ये भी होता है, AN को L भी लिख देते हैं लास्ट टर्म, ये भी होता है, शायद हम इससे निकाल लें। अब ये वाला ठीक रहेगा हमारे पास, देखो पहली टर्म भी है और लास्ट टर्म, यानी S30 क्या होगा? 30/2 फर्स्ट टर्म प्लस में A30, क्योंकि 30 टर्म इंस्टॉलमेंट, 30 टर्म का सम निकालना है, तो लास्ट टर्म कौन सी है? 30वीं है। ये बात समझ आ रही है ना मुझे? 30th इंस्टॉलमेंट का सम निकालना है, तो फॉर्मूला लगाया SN=N/2, 30/2 A+AN, कौन सी AN टर्म कौन सी होगी? 30th, तो A30 तो मैंने निकाल लिया, ये वाला छोटा पड़ेगा, इससे ले लो। तो ये 15, ये 1,000 प्लस A30 था, ये 3900, तो 15 × 4900, तो कितना आएगा? 2 0 तो साइड में रख दो, 15 को 50 से करेंगे, 49 से मत करो, 50 से कर दो ना, थोड़ा समझो। 75, 750, बट एक बार 15 ज्यादा कर दिया तो 735 आएगा, तो 73,500 ये वाला आंसर है। यानी इतने पैसे 30 इंस्टॉलमेंट में उसने दे दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू हैव गिवन 73,000 रुपीज टू द बैंक। आगे चलते हैं, बैंक अभी और क्वेश्चन पूछ रहा है, इतने लोन लिया है, आंसर तो देने पड़ेंगे। अब क्या कह रहा है? वट, अब हिंदी में क्या होता है इसमें, तो ये हो रहा है हिंदी में होता है, ये शब्द किसने किसको कहे तुम्हें पता ही होता है, ये राम ने श्याम को गए और आंसर लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट डस ही स्टिल हैव टू पे ओवर 30th इंस्टॉलमेंट? अच्छा, आफ्टर ओवर नहीं आएगा, कंफ्यूज करते हो तुम बच्चों को, मैंने तो समझ लिया, बच्चे बेचारे नहीं समझ पाते, पहले एग्जाम की टेंशन होती है ना? वैसे हिंदी भी बहुत बढ़िया होती है, किसका सब्जेक्ट है हिंदी प्यारा फेवरेट, और किसका हिंदी इस प्यारा सब्जेक्ट है, और कौन से टीचर फेवरेट है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तीस इंस्टॉलमेंट भरने के बाद फिर भी कितने बचेंगे? देखो उस बेचारे को देने थे, क्या नाम था उसका, आपका बड़ा भाई है, मुझे तो पता नहीं नाम, के इसने बोला हुआ है यूअर एल्डर ब्रदर, कर्जे में चढ़ा रहे हैं बेचारे को, उसने कार नहीं लेनी, कर्जा नहीं लेना, पेपर में लिख देंगे यूअर एल्डर ब्रदर, वो सीरियस ले जाएगा, अभी मेरा भाई कर्जे लेता फिर रहा है। ये जीरो, ये जीरो, ये माइनस कैसे होती है? 10 में से 5 गए, 5 4,
चार, ये वाला आंसर है भाई, यही आएगा ना, ये बच्चों वाली जीरो में जीरो गई, यहाँ सात रह गया, यहाँ 10 5, 7 में 3 4, ये 44,500 अभी भी देने हैं। योर एल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई, पूछ लेना जाके आज शाम को क्या सच में लेके बैठा लोन। कहते मैंने तो यहाँ पे देखा है, सीबीएसई वाले बोल रहे हैं तुमने लोन ले रखा है, तुम बताते नहीं हो, मम्मा को भी नहीं बताया। आगे चलते हैं, आगे मैं पीछा ना छोड़ूंगा, अभी और क्वेश्चन पूछूंगा। क्या पूछ रहा है? If total installment are 40, अगर सारी 40 है, then the amount paid in the last installment, यानी एक तरह से ये A40 पूछ रहा है, तो A40 क्या होती है? A plus 3090, एक कितना 1000 है, plus 39, D कितना है 100 रुपए है, तो ये 4900 यानी 2900 रुपए 40th इंस्टॉलमेंट में देगा। 2900 ही आएगा ना भाई, 3900 और हाँ 1000, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको, फर्स्ट A1 है उसको डिवाइड कर दो A40 से, तो A1 कितना है 1000 है, डिवाइड करना है 4900 से, दो जीरो से दो जीरो कटी। मैं नहीं बताऊंगा कि 10:49 आएगा, मैं यह भी नहीं बताऊंगा कि बी वाला आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका भी बी आ रहा है, क्लियर। और कुछ पूछना है भाई, ये आंसर भी दे रहा हूं आपको साथ में और समझा भी रहा हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, और परीक्षा ले जा रहे हो तुम प्लीज, अब इतनी मेहनत तुम्हारे लिए चल रही है, इस वीडियो पे 1000 लाइक होने चाहिए कम से कम, और अपने दोस्तों में शेयर करो, केस स्टडी को करो अच्छे से, ठीक है ना। सीबीएसई वाली केस स्टडी चल रही है यार, हम वो नहीं लाते जो आसान है, हम वो लाते हैं स्टूडेंट जिससे परेशान है, ताकि आपकी लाइफ में वैल्यू एड्स हो सके, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर भी कोई कमेंट हो तो डाउट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल हमारा सीजी फाउंडेशन, जहां पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको वीडियो के लिंक्स मिलते रहते हैं प्रॉपर, कोई भी वीडियो आएगी वहां पे लिंक मिलेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी भाई आप कौन सी वीडियो आने वाली है, आपको और भी नॉलेजेबल डाटा मिलेगा, साइंस के नोट्स मिलेंगे आपको, मैथ्स के भी मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन PDFs वगैरह, तो वहां पे भी शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।